हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, इससे पहले मैंने एपिसोड 35, 36, 37 भी शेयर कर दिए हैं, आप उसे सुन लीजिए। 35 से शुरू कर दिए करिएगा सुनना, क्योंकि सबसे पहले मैंने आज 35 शेयर किया था। अगर आपने वो 3 मिस कर दिए हैं तो आपको ये स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो पहले उनको सुनिएगा, फिर आप इस स्टोरी पे आइएगा। ये आज का चौथा पार्ट है। चलिए मैं आपके साथ शुरू करती हूँ स्टोरी को। जैसे कि आपको पता था कि विभूषण से अब क्रॉस क्वेश्चनिंग होने वाली थी और सैटर्न उससे पूछने वाले थे कि उसने आखिर ऐसा क्या है, क्या उसने अपना टास्क पूरा किया या नहीं किया, वरना उसे पनिशमेंट मिलेगी। और ऑब्वियस ही बात है, इस बात के लिए बींग कहीं ना कहीं डरा हुआ था, लेकिन उसे एक भी सुकून ये था कि उसने बुरी तरह से दोनों ही कल्टिवेटर्स को बहुत गंदी तरीके से इंजर्ड किया है। उन सब ने मिल के उनका डट का मुकाबला किया है और अब तो वो यूनिकॉर्न भी ले आए। तो हो सकता है सैटर्न का मन थोड़ा पिघल जाए, लेकिन वीक जानता था सैटर्न सैटर्न है और वो कभी भी मर्सीलेस चीज़ें ही करता है। वो कभी भी मर्सी नहीं दिखाता, वो जितना ब्रूटल हो सके उतना तकलीफ देता है। तो वींग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जानता था कि सैटर्न इस बार थोड़ा थोड़ा सा निराश जरूर हुआ है, थोड़ा क्या कहें, बहुत ज़्यादा निराश हुआ है। पर वींग ने अपने एक्सक्यूजेस तैयार कर लिए थे। विंग भी सैटर्न से अपने आप को बचाने के लिए और ईओन से अपनी दूरी को कम करने के लिए कुछ उपाय पहले से ही सोच के रखे हुए थे। यहाँ पर विंग जो है वो जैसे ही सैटर्न के सामने आता है तो सैटर्न विंग को देख के काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुमने इतने अच्छे तरीके से यूनिकॉर्न को लिया है, पर क्या जो तुम्हें टास्क दिया था वो तुमने किया? विंग यहाँ पर जोर की सांस लेता है। वो जानता था कि अब उसके लिए मुश्किल से मुश्किल घड़ी आ गई है जहाँ का फैसला जो है वो सिर्फ खुद सैटर्न लेते हैं। तो वो कहता है, जी आपने जो कहा था मैं उस पर पूरी तरीके से खड़े उतरने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अचानक से जब हम सारी चीज़ें कर रहे थे तब वहाँ पे जो कल्टिवेटर वहाँ पर रुका करता था और गार्ड किया करता था, उसकी जगह वहाँ पर 2 कल्टिवेटर थे। सैटर्न कहता है, तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि हमें मारने के लिए किसे कहा गया है, तो इसलिए मैंने दोनों ही कल्टीवेटर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उनमें से एक कल्टीवेटर जिसके सिर पर रिबन बंधा हुआ था वो तो शायद हमारे वहाँ से निकलने के बाद मर ही गया होगा, क्योंकि मैंने उसके पेट पे भी वार किया ताकि उसकी गोल्डन कोर भी ख़त्म हो जाए, और मैंने उसके हाथ को भी बहुत तरीके से इंजर्ड कर दिया था ताकि वो दोबारा तलवार ना उठा पाए। दूसरे वाला उनका मास्टर, वो भी बहुत अलग था। उसने एक चाबुक, गोल्डन कलर के चाबुक से वार किया और जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी खतरा लग रहा था, लेकिन हमारे जो हमारे साथ बॉडीगार्ड गए हैं उन्होंने अच्छे से उनकी स्पिरिचुअल पावर को सक कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग हम पे बहुत अच्छे तरीके से वार नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट उनकी आधी शक्ति तो इन लोगों ने सक कर ली है। ये बात सुनने के बाद सैटर्न बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने काम सक्सेसफुली किया, लेकिन तुम एक काम नहीं कर पाए जिसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विभूषण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने अभी तो एक्सप्लेन किया कि उन्होंने क्या क्या किया है और कितनी मुश्किलों से वो लोग उन यूनिकॉर्न को यहाँ लाए हैं। सैटर्न मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें जिसे मारने का टास्क दिया था वहाँ पर 2 लोग आने की वजह से तुमने उस टास्क को कम्प्लीट नहीं किया? क्या वो 2 लोग तुम्हारे सगे थे? हाँ, उन लोगों की मैं आरती उतारता, तुम्हें उन दोनों को ही मार देना चाहिए था, वो भी जान से। तुमने उसके पेट में मारा, तुमने उसके पेट में तलवार को, तुम्हें उसकी गर्दन पे रख के उसकी गर्दन काट देनी चाहिए थी। विभूषण 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसने ये चीज़ तो सोची ही नहीं थी कि वो दोनों ही मॉर्टल हैं और वो दोनों को ही मार सकता है। उसके मन में तो ये आया था कि जिसे उसके मास्टर ने मारने को कहा है वो उसे ही मारेगा और जानबूझ के किसी और फालतू के काम में कभी नहीं घुसेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब भी वो फालतू के कामों में घुसता है तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी ही कर देता है, जिसकी वजह से सैटर्न अक्सर उस पर चिल्लाया करते थे, उस पर गुस्सा किया करते थे। विंग इस बार कोई मेस नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में उससे फिर से मेस हो जाती है। वो घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगता है तो सैटर्न कहते हैं, अभी मैं तुम्हें नहीं खो सकता, सेक्रीफाइस का टाइम सामने आ गया है, और तो और सेक्रीफाइस के टाइम पे मुझे तुम्हें यूनिकॉर्न ब्लड में फिर से नहाने के लिए कहना पड़ेगा। इस बार आखिरी आखिरी सेक्रीफाइस है, और इस सेक्रीफाइस को अगर तुमने अच्छे से जाने दिया तो शायद मैं तुम्हारी पनिशमेंट को कुछ कम कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने इस सेक्रीफाइस में कोई भी उधम मचाया या कोई भी गड़बड़ी की तो विभूषण याद रखना, वो दिन एयुआन की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इतनी बड़ी बात सुन के थोड़ी देर के लिए तो विभूषण तो थोड़ा सा सहम जाता है, डर जाता है कि अरे
ये क्या कह दिया, लेकिन वो जानता था कि सैटर्न इतना क्रूल है, अगर उसने कोई चीज़ कही है तो मतलब वो पत्थर की लकीर हो गई है और वो सच में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही देगा। उसका दिल यहाँ कांपने लगता है एक नन्ही सी जान के लिए, लेकिन सैटर्न के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत मजबूर महसूस करता है क्योंकि सैटर्न की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत जल्द जब वीन एम्परर बन जाएगा तो उसे मिलेंगी। आज उसके राज्य अभिषेक के लिए कहीं ना कहीं वो लोग पूर्ण तरीके से तैयार हैं और वीन को असामान्य शक्ति मिलेगी, ऐसी शक्तियाँ जो विंग के लिए आगे चल के ऐसी ही शक्तियाँ जो विंग को बहुत बड़ा डीमन कल्टीवेटर बना देगी, जिसने सारे तरीके की सारे चीज़ों पे राज किया हो। यहाँ पर विंग ने वैसे भी गरुड़ द्वार चुना था, नागेश नाग शक्ति नहीं, क्योंकि जो पावरफुल डीमन होते थे वर्ल्ड को तबाह करने की शक्ति रखते थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं नागेश नाग शक्ति को चुन लेते थे, लेकिन जिनके दिल में प्योर चीज़ें रहती थी वो लोग कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करते थे। विंग को यहाँ पर फिर से उस टाइम की याद आती है कि जब उसे यूनिकॉर्न के उस पत्ते उस ब्लड के अंदर नहाना होता है, ब्लड बात लेना होता है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, लेकिन वो यहाँ पर ज़रा सी भी अपने चेहरे पर शिकन नहीं दिखा सकता था, वरना जो उसके सैटर्न हैं वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। विंग मन में सोच रहा होता है क्या मुसीबत है ये, मुझे सच में उस गंदे से ब्लडी बात से उल्टी आती है, मुझे उसमें नहीं नहाना, लेकिन मैं सैटर्न को मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हर काम की मना की सज़ा A1 को मिलती है। A1 ने तो क्या ही को उस बेचारी की क्या ही गलती, पहले तो उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है और अब वो मेरी वजह से सजा खाता रहता है। लेकिन A1 कभी भी विंग को कंप्लेन नहीं करता था क्योंकि A1 के लिए कोई और यहाँ पर था ही नहीं, कुछ चुनिंदा सर्वेंट उसके आगे पीछे घूमते थे, उसे वो भी प्रिविलेज सिर्फ विंग की वजह से ही मिली हुई थी, वरना किसी के आगे पीछे सर्वेंट नहीं घूमते, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग तो गुलाम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, गुलामी की तरह ही रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, वो यहाँ पर काम करके अपनी दिनचर्या कमाते हैं, थोड़े टाइम का खाना कमाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि वहाँ पर पताल लोक में अक्सर ऐसे ऐसे भूचाल आते हैं, जैसे कभी सूखा पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी कभी जलजला आ गया, कभी बाढ़ आ गई, वो लोग हमेशा कर्ज की ज़िंदगी जीते आए हैं, जिसमें ना जाने उन्हें खाने को नहीं मिलता, बदबू आती है, हर जगह सब कुछ सड़ने लगता है। एक बार तो इतनी भयंकर महामारी आई थी कि लोगों की जो त्वचा थी वो भी सड़ने लग गई थी, लोग एक दूसरे के पास भी नहीं जाते थे, उनके बॉडी के अंदर इतना पस भर गया था कि वो एक दूसरे के पास से उन्हें इतनी गंदी स्मेल आती थी। इतने बुरे बुरे दौर से वो लोग गुजरे हैं, उस वक्त उनका इलाज करने के लिए भी कोई नहीं आता था और जो दवाइयाँ उन्हें चाहिए होती थी वो कल्टीवेटर वर्ल्ड में थी, लेकिन वो घुसू की उस जगह जहाँ पर वो सारी दवाइयाँ रखते थे उस जगह घुस नहीं सकते थे क्योंकि वो डीमन थे और डीमन के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैरियर सेट किए गए थे। यहाँ पर बहुत सारे डीमन ने अपने घर परिवारों की सिर्फ सेल्फिशनेस जो कि कल्टीवेटर्स ने दिखाई उसकी वजह से जान खो दी थी। बहुत सारे लोगों के माता पिता बच्चे भाई बहन मारे गए थे उस महामारी के चलते। डीमन वर्ल्ड को सिर्फ एक औषधि चाहिए थी, जो औषधि उस वक्त कल्टीवेटर्स ने उन्हें देने से मना कर दी थी। हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। यहाँ पर वी विजन जो था वो मन में सोचता है कि अगर कल्टीवेटर इतने ज़्यादा सेल्फिश नहीं होते तो आज शायद वो लोग कभी नहीं मरते। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्हें आत्मनिर्भर होना पड़ता है और कभी कभी तो मोहताज होना पड़ता है। यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सीमित ही चीज़ें मिली हैं, रिसोर्सेज हैं सिर्फ सीमित हैं, रसायन ऊर्जा हर चीज़ सीमित है। ना जाने कितनी मुश्किल से ये लोग यहाँ पर अपने निज़ाम को चलाते हैं। वो स्टोन पत्थर इन्हें जो कि स्पिरिचुअल पावर देते हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ों से इन्हें स्पिरिचुअल पावर मिलती है जो कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, और वो चीज़ें इतनी रोटन होती हैं, इतनी ज़्यादा अभद्र, इतनी ज़्यादा गंदी कि उनके पास से सिर्फ रिसेंटफुल एनर्जी ही बचती है जिसे ये लोग ग्रैब करते हैं ताकि ये अपनी गोल्डन कोर को रिसेंटमेंट से ही सही लेकिन अच्छे से उसे तंदुरुस्त रख सकें। और जो रिसेंटमेंट एनर्जी होती है ना वो बाकी एनर्जी के मुकाबले बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, 10 गुना शक्तिशाली,
नॉर्मल कल्टीवेटर खा पी के एक अच्छे माहौल में कल्टीवेट करता है, जिसकी वजह से जब वो कल्टीवेट करता है तो उस ऊर्जा को बनने में वक्त लगता है और वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ रिसेंटमेंट एनर्जी के अंडर, जहाँ पर ना जाने लाखों लोगों की मौत हुई है, लाखों लोग मर गए हैं और लाखों लोग घर से बाहर हैं, कितने लोग बद्दुआ देते हैं, कितने लोग रोज़ रोज़ तरसते हैं उन सब की चीखें और रोने की आवाज़ों से, और न जाने कितने लोगों की लाशों से, जो यहाँ पर कॉप्स की एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, वो डीमंस को और भी ज़्यादा उनका गुस्सा, उनका एंगर लोगों के प्रति, उनका उनका जो बिहेवियर है उसे कहीं ना कहीं बदल डालती है। उसकी सोच हर चीज़ पे निर्भर करती है कि क्या होगा क्या नहीं। डीमन वर्ल्ड को ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने रहने लायक नहीं समझते। ये चाहते हैं कि कल्टीवेटर वर्ल्ड से इनकी सुलह हो और ये वहाँ जाके रहे। यहाँ की अंडरवर्ल्ड यानी कि अंडर पाताल की दुनिया बहुत ही गंदी है और जिसमें कोई रहना भी नहीं चाहेगा। ये विजन उन डीमंस में से आता है जिसे रॉयल लाइफ नसीब हुई है। बाकी के एरिया में बहुत बुरी हालत है और ऐसी दुर्गति में विविजन कभी भी एयुआन को जाना नहीं पसंद करेगा। उसको छोड़ना कभी वो पसंद ही नहीं कर सकता। एयुआन जो कि विविजन से इतना ज़्यादा अटैच्ड है, वो विविजन को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, उसके पास बैठा रहता है। विविजन कोई भी काम करे, एयुआन हमेशा उसके साथ जुड़ा ही रहता है, क्योंकि एयुआन जो था वो बचपन से ही माँ बाप को खो चुका था। सर्वेंट्स विंग के आगे उसके साथ अलग बिहेवियर रखते हैं और विंग के पीछे उसके साथ अलग बिहेवियर रखा जाता है। सैटर्न जो कि उसे एक आंख भी पसंद नहीं करते, जबकि वो खुद से एक डीमन है, उसका पूरा रूप डीमन जैसा है। वो विंग की तरह ब्यूटीफुल नहीं है, वो हरी त्वचा वाला है, उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। और तो और एयुआन सबसे क्यूट बेबी है, लेकिन वो ह्यूमन बेबी नहीं है। ये सोच सोच कर कभी कभी एयुआन भी मिरर देख के रो पड़ता था। तब उसे विंग जो है तसल्ली देता है और कहता है, एयुआन तुम सबसे खूबसूरत बेबी हो, तुम्हें हम मतलब इंसानों की तरह तुम्हें घोरे होने की ज़रूरत नहीं या फिर तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम ऐसे ही क्यूट लगते हो। उसके गालों को छेड़ता है। तभी यहाँ पर एयुआन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, मैं बहुत अगली हूँ इसलिए सैटर्न मुझसे प्यार नहीं करते। विविजन यहाँ पर उसे खुद में उठा लेता है और कहता है, कैसी बातें सोचते हो तुम, तुम्हें क्या लगता है सैटर्न को सुंदरता पसंद है। यहाँ पर एयुआन कहता है, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि हर किसी को सुंदरता पसंद होती है, ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद होती हैं, सैटर्न को मैं अगली दिखता हूँ इसलिए नहीं पसंद ना। तो विविजन उस बच्चे की नाक को पिंच करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी नज़र से देखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। वो बच्चा कहता है, आप मुझे पता है मेरा दिल रखने के लिए सारी चीज़ें कहते हो, पर मैं हकीकत जानता हूँ, मैं बहुत बदा दिखता हूँ, सैटर्न भी मुझे पसंद नहीं करते, मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया, पर अनजाने में मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देता हूँ जिससे सैटर्न नाराज़ हो जाते हैं। मुझे ये बताओ ना, अगर मैं सैटर्न को खुश करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर उस बच्चे की बातों को सीरियसली नहीं लेते विंग उसे अपनी गोदी में बिठाता है और उसे खाने के लिए कुछ कैंडीज ऑफर करता है, जो कि कल्टीवेटर वर्ल्ड से स्पेशली उसने 2 नंबरी करवा के मंगवाई थी। यहाँ पर पहली बार ऐसी अच्छी सी कैंडीज खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है हमारा एयुआन विंग के चीक्स खींचता है और कहता है, सच में अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो वो बिल्कुल आपकी तरह मेरी केयर करते और वो मुझे कभी सैड नहीं होने देते। थैंक यू शियान गोगो, आपने हमेशा मेरी हेल्प की, मुझे खुश रखा, मेरे लिए आपने बहुत कुछ सहा। और यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो उसकी चीख खींचते हुए कहता है, मैंने सुना है कि सैटर्न चाहते हैं आप शादी कर लो। विंग का चेहरा उतर जाता है। विंग कहता है, उससे मुझे याद आया, मैं बेहोश हो गया था, मुझे किसने बचाया क्या तुम्हें पता है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो कहता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी आपको बचाया था उसे सैटर्न चाहते हैं कि आपकी शादी करा दी जाए। विंग जो कि वहाँ पर अचानक से बैठा था, उसे इतनी तेज़ खांसी आ जाती है, उसे ये बात हजम ही नहीं होती कि सैटर्न उसकी शादी उस इंसान से कराना चाहते हैं। तो वो सीक्रेटली कान के पास आकर बोलता है, वो इंसान कौन है। तो विंग के कान के पास जाकर हमारा ईवान कहता है,
मुझे नहीं पता, मुझे कौन बताएगा, पर मुझे इतना पता है कि वी गगा की शादी होगी, और वी गगा की शादी एक अलग से लड़के से होगी जिसने वी गगा को बचाया है। यहाँ पर भी विशन कहता है, वी गगा बोलना बंद करो वरना सजा मिलेगी। और वो यहाँ पर बड़े प्यार से A1 के बम्पे मारने लगता है और कहता है, तुम ब्रैट। A1 कहता है, हम अकेले हैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ, वरना थोड़ी बोलता। वीन कहता है, कभी मत बोलना, ईलिंग पेट्रिया ग ग बोलो, ईलिंग पेट्रिया ग बोलो, लेकिन वी ग ग बिल्कुल मत बोलना। मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिले। तुम ऐसे काम क्यों करते हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अगर मेरी बात सुनी होती तो तुम्हें कभी पनिशमेंट नहीं मिलती। वी विजन यहाँ पर बड़े प्यार से उसे समझाता है, लेकिन बच्चा था, बच्चे कहाँ ही समझते हैं, उनको हमारी चालाकियाँ, बड़े किस तरीके से रहते हैं, बड़ों का क्या उद्देश्य है, ये कहाँ ही समझ में आता है। उन्हें तो बस गुड्डा गुटिया दे दी जाए और उससे खेलकर उन्हें लगता है शायद उन्होंने पूरी ज़िंदगी के मज़े ले लिए। बड़ों की परेशानियों से बच्चे वाकिफ कहाँ हैं, उन्हें लगता है ज़िंदगी ऐसी ही है, दो पल की खुशी, मौज मनाओ, खाना खाओ और खुशी से सो जाओ। हाँ, कभी कभी स्कूल की बोझ लगते हैं उन्हें, लेकिन यहाँ पर A1 को तो बड़ा मज़ा आता था क्योंकि उसे स्कूल थोड़ी जाने को मिलता था। उसके अपने फादर सैटन जो कि विंग की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सैटन को अपना फादर ही मानते हैं, और विंग भी सैटन का बायोलॉजिकल फादर, सॉरी सैटन विंग का बायोलॉजिकल फादर है अकॉर्डिंग टू विंग। तो वो लोग एज अ अपने आप को सैटन के बच्चे मानते हैं, और जो हमारा प्यारा A1 है वो हमेशा मानता था कि सैटन अब उसके लिए जो भी हैं माता पिता वही हैं, वो अब उनको नाराज़ कभी नहीं कर सकता था। हालांकि वो शैतान था लेकिन वो सैटन से बहुत ज़्यादा डरता था, स्पेशली जब सैटन उसकी गलतियों की सज़ा विंग को देते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा करता था, क्योंकि वो कभी भी विंग को हर्ट नहीं देख सकता था। यहाँ पर सैटन जो थे वो सबको अपने अंडर चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग सैटन को एक भगवान की तरह पूछते थे, और कुछ लोग उन्हें अपना आइडल मानते थे, कुछ लोग उन्हें अपने पिता के समान देखा करते थे। सैटन की बात हर कोई सुनता था। सैटन का एक खास बंदा उनके पास आता है और कहता है, सैटन मैं जानता हूँ कि विंग ने उस इंसान को नहीं मारा, उसे मार डालना चाहिए था। सैटन कहता है, मैंने सुना कि कोई और भी वहाँ हमले के लिए आया था। तो वो बताता है, हाँ विंग से जिसको चोट लगी है वो उसका उस दुनिया का पति है, यानी कि लवांग जी, और दूसरा बंदा चू एनिंग जो कि उसके मास्टर थे वो बीच में आ गए, वरना आज लवांग जी का काम तमाम होता। ये बात सुनकर यहाँ पर मुट्ठी जोर से टेबल पर मारते हुए सैटन कहता है, मैं चाहता था कि वो इंसान विंग के हाथों मर जाए, ताकि विंग को अगर कल को कुछ याद भी आए तो उसे पता चले कि उसने अपने हाथों से ही उस इंसान को मार दिया जो कि उसका पति था, जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और जब इंसान अपने हाथों से उन्हें मार सकता है जिनसे वो प्यार करते हैं, तो वह इस पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकता है। मैंने उसके अंदर इतनी हेट्रेड डाली है कि इस जन्म के आने वाले 7 जन्म में भी वो उन कल्टीवेटर से नफरत करेगा। वो कल्टीवेटर किसी काम के नहीं हैं, वो सिर्फ नफरत के लायक हैं, और मैं चाहता हूँ विंग उनसे कभी दोस्ती ना करे, उनसे शदीद नफरत करे, उन लोगों को नफरत की निगाहों से देखे, कत्लोए आम कर दें जो उसके साथ पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उनको भी मार दें। उन्होंने हमारे यहाँ की क्या हालत की है, भूखे मरते हैं डीमंस, हम लोगों में महामारियाँ आई, ना जाने कितनी चीज़ें हुई, और इन लोगों को कोई खबर ही नहीं थी। सैटन अपनी पट्टियाँ उतारता है, वहाँ से उसकी स्किन भी अब गलने और सड़ने लगी थी। सैटन कहता है, मेरी इतनी बुरी हालत हुई और उन कल्टीवेटर्स ने हम लोगों को वो पुष्प देने, यानी कि उस फ्लावर को देने से मना कर दिया, वो जड़ी बूटियाँ देने से मना कर दी जिससे हम ठीक हो सकते थे। मैं चाहता हूँ ये महामारी उन लोगों को में भी फैले, और उन लोगों को भी वो दवाइयाँ कभी ना मिले जो वो चाहते हैं। यहाँ पर वो लोग कहते हैं, आज विंग को स्नान करना होगा यूनिकॉर्न के साथ, यूनिकॉर्न के जो ब्लड थे उनके अंदर। यहाँ पर सैटन मुस्कराता है और कहता है, 7 साल पूरे हो गए हैं, अब उन लोगों को पता चलेगा इस पूर्णिमा की रात जब विंग पूरी तरीके से डीमन बन जाएगा, उसके अंदर सब कुछ सोच तक डीमन जैसी होगी, फिर वो उन लोगों को जान से मार देगा,
जो लोग, मैं जानता हूँ कल्टीवेटर्स के लोग उसे आसानी से नहीं मार पाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें उसे चुना था क्योंकि वो सबका लायक और सबका प्यारा था। वो लोग उसे नहीं मार पाएंगे, लेकिन विंग के दिल में सब कुछ इतनी ज़्यादा हेटरेट होगी कि वो किसी को मारने से झिझकेगा भी नहीं। देखो ना, इस बार तो उसने अपने पति तक को घायल कर दिया, उसके मन में एक मिनट भी संकोच नहीं आया। मैं चाहता हूँ वो सबकी गर्दनें ऐसे ही उड़ाता जाए। यहाँ पर उसकी बातें सुन के सैटर्न की सारे वो चक्के रह गए थे और सारे मन में सोच रहे थे कि अरे सैटर्न कितनी ज़्यादा अच्छी तगड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। यहाँ पर सैटर्न का जो सर्वेंट था वो बहुत खुश होता है कि फाइनली इन लोगों को बदला लेने का मौका मिलेगा। ये लोग ना को चने चबाएंगे, उन सभी से बदला लेंगे जिन्होंने इन्हें भूखा मरने, पताल लोक में शरण लेने और पताल लोक में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया है। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। क्या विंग, जिसकी याददाश्त चली गई है, वो सबको इसी तरह से घायल करेगा? क्या वो उन सब पे हमला करेगा जो कभी उसके लिए बहुत खास होते थे? क्या वो अपनों के खिलाफ ही अनजाने में सारे शस्त्र उठा देगा? क्या उन्हें इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देगा? और जब विंग की अगर याददाश्त सामने आई तो उस पर क्या बीतेगी? देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।